नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हमारे CGPSE मेंस प्रोग्राम पर भी। इस वीडियो पर हम राष्ट्रीय स्तर पर आधारित एक निबंध पर चर्चा करेंगे। निबंध का टॉपिक है बैंकिंग क्षेत्र में संकट कारण और समाधान, या फिर क्राइसिस इन बैंकिंग सेक्टर रीजन एंड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को आपके समक्ष डिस्कशन कम्युनिटी पर 12 मार्च को लाया गया था और आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप एक बहुत ही सुंदर सा निबंध लिखकर वहां पर पोस्ट करेंगे। इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर किस प्रकार का अप्रोच होना चाहिए, किस प्रकार के पॉइंट वहां पर होने चाहिए और किस प्रकार से इस निबंध का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस पर भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर। देखिए, अभी वर्तमान पर जिस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति दिख रही है, उस अर्थव्यवस्था की इस नकारात्मक स्थिति के बनने के पीछे बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारी गिरती हुई बैंकिंग सेक्टर है, या फिर बैंकिंग सेक्टर पर जो भी संकट हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनता है हमारी नकारात्मक आर्थिक स्थिति को बनाने में। विगत कुछ वर्षों से लगातार 2013-14 से अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा न्यूज़ पर बना रहा है। कभी NPA को लेकर कुछ बात यहाँ पर न्यूज़ पर आई, तो कभी डिफॉल्ट को लेकर कुछ न्यूज़ पर आई, तो कभी सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं लाए गए जिस कारण से यह टॉपिक न्यूज़ में बना रहा। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण ने भी ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अगर भारत को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँचना है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है आगामी 5 वर्षों में, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले भी बैंकिंग सेक्टर पर आधारित निबंध पूछा जा सकता था, इस साल भी पूछा जा सकता है और आगामी कुछ वर्षों तक तो इसकी इम्पोर्टेंस बनी ही रहेगी। तो जब भी आप निबंध की तैयारी करें, राष्ट्रीय स्तर पर जब आप निबंध की तैयारी करें, और मुख्य रूप से अगर आप अर्थव्यवस्था के किसी एक टॉपिक पर जाएं, तो बैंकिंग सेक्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब इस टॉपिक को जब हमने डिस्कशन कम्युनिटी पर लाया तो उसके पीछे कारण बन चुका था अभी तत्काल में घटित हुई एक घटना, वो संबंधित है यस बैंक से। हमने देखा कि किस प्रकार से यस बैंक एक बहुत ही बुरी स्थिति पे पहुंच चुकी है और जमाकर्ता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए RBI ने बहुत सारे वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए। तो चलिए, इस निबंध को हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर करेंगे, किस प्रकार से हम इसको सुंदर ऐसे बनाएंगे, प्रभावी ऐसे बनाएंगे, उन सारे चीज़ों पर बात की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप निबंध लिखें तो स्ट्रक्चर की खोज जब आप करेंगे तो स्ट्रक्चर की खोज आपकी खत्म होगी CGPSE मेन सिलेबस पर दिए गए निर्देश पर। जब आप CGPSE मेन सिलेबस पर जाएंगे, पेपर 2 पर जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया है कि निबंध कैसे लिखना है। उसमें बताया गया है कि आप जो भी टॉपिक होगी उस टॉपिक पर आप वहाँ पर वर्तमान की स्थिति लिखेंगे आंकड़ों सहित, उस स्थिति के पीछे कारण दर्शाएंगे और साथ ही साथ उस स्थिति से निकलने का रास्ता दिखाएंगे, अर्थात समाधान पर भी आप बात करेंगे। इन सारे चीज़ों को वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो जब भी आप निबंध की शुरुआत करें या निबंध को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, जब आप इस पर चिंतन करें तो आप CGPSE मेन सिलेबस पर सीधे से पहुँच जाए। तो चलिए, जब आप निबंध की शुरुआत करें तो आप कहाँ से करेंगे, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और इंट्रोडक्शन बहुत ही आपका प्रभावी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन अर्थात आपकी निबंध की शुरुआत के 2-3 लाइन, यह 2-3 लाइन इतने प्रभावी होने चाहिए कि जांचकर्ता के समक्ष बहुत ही सकारात्मक आपकी वहाँ पर छवि बन जाए। अगर निबंध पढ़ते हुए ही अगर 2-3 लाइन अगर बहुत ही अच्छी लग जाती है तो बेशक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके निबंध पढ़े जाएंगे और उसका लाभ बेशक आपको अपने अंक में देखने को मिलेगा, मार्क्स में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो शुरू की 2-3 लाइन होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तार्किक, लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखनी चाहिए। तो जब आप इस टॉपिक पर आप इंट्रोडक्शन लिखें तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर पर बहुत दिनों से बातें हो रही हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर चर्चा बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर पर, तो आप वहाँ पर कोई एक रिपोर्ट की खोज कर लें कि कभी क्या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित किसी प्रतिष्ठित संस्थान ने कोई रिपोर्ट जारी किया है क्या। अगर कोई रिपोर्ट आपको मिल जाता है तो उस रिपोर्ट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर रिसेंट में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं, कुछ यहाँ पर इवेंट बने हुए हैं, तो उस इवेंट का एग्जांपल भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इस एसे पर मैंने कुछ यहाँ पर इवेंट कोट किया है और वह इवेंट है यस बैंक। अभी हम रिसेंट में देखें कि यस बैंक पर RBI ने मोरेटोरियम लगा दिया, ये एक प्रकार का प्रतिबंध है। यस बैंक के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो जब निर्णय लेंगे तो वहाँ पर RBI का हस्तक्षेप होगा और साथ ही साथ जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भी और भी कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं।
तो आप इस यस बैंक के इवेंट के एग्जाम्पल के साथ में इस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि यस बैंक जो हमारे प्राइवेट बैंक का लार्जेस्ट फोर्थ बैंक था वो जब यहाँ पर संकट में जाता हुआ दिख रहा है तब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ हमारी बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। अब इस एसे का अगर थीम देखें तो बैंकिंग सेक्टर पर आपने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया कि किस प्रकार से वहाँ पर क्राइसिस है। अब जो अगली यहाँ पर कहानी शुरू होती है वह शुरू हो जाती है कारण पर, क्योंकि पूछा यही गया है बैंकिंग सेक्टर में संकट उसके कारण। जब आप कारण बताएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो आप यहां पर लिखें वह तो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। बहुत ही आसान भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं कि जब बैंक लोन देते हैं और वह लोन का मूलधन या ब्याज जब वापस नहीं आता तो हम उसे NPA कह देते हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या कितनी गंभीर है यह बताने के लिए आपको फैक्ट का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फैक्ट लिखें तो फैक्ट आपके दिए गए विचारों की पुष्टि करता है, फैक्ट आपके दिए गए विचारों की गंभीरता को दर्शाता है। तो जब आप NPA की समस्या यहाँ पर बताएं कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा NPA की समस्या है तो कितनी समस्या है, तो उसके लिए आपको ये फैक्ट कुछ बताना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज हमारी यहाँ पर NPA दिखती है टोटल लोन की, प्राइवेट सेक्टर में कितने NPA की परसेंटेज है, पब्लिक सेक्टर बैंक में कितनी यहाँ पर NPA की परसेंटेज है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद इसी की कहानी शुरू करते हुए आप चले जाएं कारण पर, इतने बड़े NPA के पीछे क्या कारण था, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें। आप बताएं कि जिस प्रकार की स्थिति 2004-05 से 2008-09 की भारत में और विश्व में बनी हुई थी, उस स्थिति के कारण बैंकों ने बहुत ही कम ब्याज दरों पर बहुत ही बड़ी मात्रा पर यहाँ पर उधार पहुँचाया। अब जब ये क्रेडिट बूम यहाँ पर हमने देखा, बहुत ज़्यादा राशि जो बैंकों की थी वह उत्पादक क्षेत्र के पास थी, लेकिन 2008-09 का काल जो रहा वो विश्व में रिसेशन का दौर रहा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर डूब गई क्योंकि डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ और बैंकों को भी यहां पर उनकी राशि नहीं मिली। अब इस कारण से या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल रिसेशन के कारण डिफॉल्ट्स की कहानी देखने को मिलती है और यह कहानी आगे चलकर हमें दिखती है ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम के रूप में। क्या है ये ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम? तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और ना ही हमारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, वहां पर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन सेक्टर को ही प्रॉफिट नहीं होगा, उनको लाभ नहीं होगा, तो बैंकों से लिए गए उधार को भी वो चुका नहीं पाएंगे, ना तो मूलधन और ना तो ब्याज, और इस कारण से बैंकों की NPA बहुत ज़्यादा हमको बढ़ती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर कई सारे कंपनियों के नाम भी लिख सकते हैं, जब आप डिफॉल्टर्स की बात करें तो कुछ व्यक्तियों के नाम भी वहाँ पर बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फैक्ट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप एग्जांपल रखेंगे अपनी बात को समझाने के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा निबंध, उतना ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कारण लिख चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब हम दूसरे स्क्रीन पर आएंगे तो हम समाधान पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं समाधान पर। हमने देख लिया कि सबसे जो महत्वपूर्ण मुख्य कारक है संकट का वह है NPA, उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, उसकी समाधान तो बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे और भी यहाँ पर कारक बनते हैं जो बैंकिंग सेक्टर पर संकट बनाते हैं, तो उन्हें भी हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बैंकिंग सेक्टर को पूर्ण रूप से हम संकट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब उसी समाधान पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले तो प्रबंधन पर समाधान होना चाहिए। प्रबंधन से तात्पर्य क्या है कि जैसे जो बैंक्स होते हैं, इनके जो हायर लेवल पर, उच्च पद पर जो अधिकारी बैठे होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनका चयन जो होना चाहिए बहुत ही निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि कई मामलों पर हमने ये देखा है कि बैंक के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनकी भूमिका दिखती है जब भी कोई बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर प्रॉब्लम पे जाता है। तो अब इस नियुक्ति और चयन को पारदर्शी बनाने के लिए कई योजना भी आई है, आप यहाँ पर इंद्रधनुष योजना को भी कोट बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ NPA की समस्या को सॉल्व करने के लिए वसूली की जो हमारी मैकेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हमने 3R फार्मूला अप्लाई कर दिया है, साथ ही साथ DRT को भी मजबूत कर दिया है और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ये NPA और डिफॉल्टिंग की जो केसेस हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकें।
साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में भी आप मेंशन कर दें और इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी आप वहां पर लिखें। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट बता रहा हूं जिस पॉइंट के आधार पर आप अपने विचार बनाएं और वहां पर से आप फैक्ट निकालें, एग्जाम्पल निकालें। और बैंकिंग सेक्टर के लिए जब भी कोई एक ऐसे आएगा तो उसके शब्द बदल सकते हैं लेकिन थीम लगभग लगभग यही होगा। तो जो भी आप कंटेंट निकाल लेंगे जब भी निबंध पूछा जाएगा तो थोड़ा सा उस थीम पर जाकर आप उसी कंटेंट को बार बार वहां पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वसूली के जो योजनाएं लाए गए हैं, जो योजना भी संचालित हैं या जो भी कदम यहां पर RBI या सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप मेंशन करें और एग्जाम्पल के साथ और फैक्ट के साथ अगर आप मेंशन करेंगे तो और बेहतर होगा। अब यहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर को संकट से निकालने के लिए मर्जर की भी बात कर सकते हैं, विलीकरण की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, चाहे वो SBI बैंक का हो चाहे विजया बैंक का हो। जब आप विलयीकरण के बारे में बता रहे होंगे तो आप बताएंगे कि तो जो बैंक बहुत ज़्यादा संकट में होता है उसे हम एक बड़े बैंकों के साथ में जोड़ देते हैं। बड़े बैंकों को लाभ ये होता है कि उनके ब्रांच एक्सपांड होते हैं और छोटे बैंकों को फायदा ये होता है कि डूबने से वो बच जाते हैं। साथ ही साथ बैंकों के कैपिटलाइजेशन पर भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि किस प्रकार से सरकार बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, पूंजी प्रदान कर रही है, जिससे बैंक अपने आप को इस कम राशि या फिर यह NPA की समस्या या NPA के संकट से अपने आप को उबार सके। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना लें। इस पूरे वीडियो पर हमने इसी बात पर चर्चा किया है कि किस प्रकार से आपको SA का स्ट्रक्चर बनाना है, इंट्रोडक्शन पर ध्यान देना है, किस प्रकार से आपको कारण बताना है और किस प्रकार से आपको समाधान बताते हुए निष्कर्ष भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। साथ ही साथ आपको फैक्ट और एग्जांपल भी बिल्कुल वहाँ पर डालना है अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो। तो ठीक है, फिर इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।